नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों देखिए ना, 2022 का पूरा एक महीना बीत गया है ना। समय कैसे बीतता चला जा रहा है पता ही नहीं चलता, लेकिन हाँ, समय जो बीत रहा है बहुत ही खूबसूरत है और हम इससे बहुत कुछ सीखते हुए आगे से आगे की ओर बढ़ते चलें। हमारे पूर्वज कहा करते थे ना कि हमारा आज हमारे कल से बेहतर हो और आने वाला जो कल है इससे भी बेहतर हो। हम इस प्रकार ही अपने जीवन को जीते चलें और इसमें ऐसे बेहतरीन कार्य करते चलें जो हमें भी और औरों को भी सुकून और प्रेरणा प्रदान करता रहे। फरवरी है तो ये पूरा फरवरी आपके लिए बहुत फेबुलस हो, किसी प्रकार की फाइट ना हो, चारों ओर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों सही है। हेनरी फोर्ड। मित्रों, हम सभी महान कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम ये शब्द कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। पर हमें बड़ा करने से कौन रोक रहा है? हमें लगता है कि संसाधनों की कमी है, लेकिन एक उपाय कुशल व्यक्ति को जब भी जरूरत होती है हमेशा संसाधन मिलते हैं। उपाय कुशलता आती है अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने से। एक बार जब मैं समझ जाता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करने में भगवान और ब्रह्मांड मेरे साथ हैं, तो मैं तीन चीजों में भरोसा विकसित कर सकता हूँ। खुद पर भरोसा, भगवान पर भरोसा और इस तथ्य पर भरोसा कि विश्व नाटक हमेशा शुभ होता है। जब मुझे समझ आ जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं सफलता का सितारा बन सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज में विश्वास रखता हूँ वो हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये एक विचार अपने आप में विश्वास को बढ़ा सकता है और हमें महान उपलब्धि हासिल करा सकता है। 100% सही बात कि हम ही अपने लिए दायरा निश्चित कर लेते हैं कि मैं यही कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि हमने अपने लिए खुद ही सीमा निर्धारित कर लिया तो हम उस सीमा से पार कैसे जा सकेंगे। इसीलिए अपनी सोच को हम बहुत विशाल करें, सकारात्मक करें और आकाश को छूने की तमन्ना, लक्ष्य और कामना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि वो कर गुजरें जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए सुंदर प्रेरणा का कार्य करे। मित्रों, इन्हीं सुंदर भावों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने स्वास्थ्य की ओर। आपकी सेहत आपके हाथ में, हम बात करते हैं आपके सुंदर स्वास्थ्य की। भोजन तो रोज़ करते हैं, लेकिन क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसी की चर्चा आज के इस सेगमेंट में। अगर आपको एसिडिटी की बीमारी है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी है, आपको खाना खाते ही ऐसा फील होता है कि हम टॉयलेट जाएं, या पेट में क्रैम्प्स होते हैं, तो सबसे पहले तो अपने मन को आप ठीक कर लीजिए। आप मन की नेचर को बदल दीजिए। अपने जो सेंसिटिव नेचर है आपके, अधिकतर ऐसा प्रॉब्लम सेंसिटिव नेचर वाले लोगों को होता है, थोड़ी थोड़ी बात को बहुत फील कर लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, भूलते नहीं हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आप मेन कारण सेंसिटिव नेचर का होता है, वो एक्सपेक्टेशन होता है, किसी से हम उम्मीद रखते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, फिर हम कहते हैं इसको भी हमारे लिए ऐसा करना अच्छा करना चाहिए, उनका आचरण हमारे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। आप एक्सपेक्ट ना करें, एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि हर आदमी का व्यवहार अपना है। हर आदमी हमसे कैसा व्यवहार करे हमें नहीं पता है, चाहे हमारे घर में हो या बाहर हो, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। तो आप देखेंगे कि आपका ये व्यवहार बदलेगा, तो आपका जो तीनों का जो अंदर सिक्रीशंस हैं हमारे, वो बैलेंस में रहेंगे। हमारे पूरी आंतों की नाली में दो ट्रैक चलती हैं, एक तो ऑर्बिक्स प्लेक्सस और मेसेनर प्लेक्सस, उसके बैलेंस से ही हमारी आंतों की पेरिस्टाल्सिस या मूवमेंट चलती है, और उसमें बाधा पड़ने से फिर हमें ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। तो अगर आप इसके लिए अपने मन को बैलेंस करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, सुबह मेडिटेशन करें आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त में, 4 से 5 के बीच में, और 8 बजे तक आप साइलेंस में रहेंगे, और बीच बीच में हर 1 घंटे में एक पॉजिटिव थॉट को रिपीट करें, आई एम हैप्पी बीइंग, आई एम हैप्पी सोल, आई एम हैप्पी पर्सन। तो अगर बार बार उस हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट, जितना आप इस बात को रिवाइज करेंगे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और खाने के 2 घंटे बाद पानी पियेंगे और टाइम पर सो जाएंगे, सोने के पहले 10 मिनट पहले आप एक लेटर लिख करके परमात्मा को, क्योंकि मन को अगर आप हल्का कर लेते हैं तो नींद की क्वालिटी अच्छी होने से भी आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नॉर्मल हो जाएगा। और इस सब गोल लंच और डिनर के पहले 2 चम्मच ले लें एक गिलास पानी से,
तो आप देखेंगे आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, संयम हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। इसे हम अपने जीवन का यदि अंग बना लें तो सचमुच जीवन बहुत ही स्वास्थ्यप्रद रहेगा, क्योंकि जिह्वा ही तो है ना, जो कभी कभी असंयमित हो जाती है और हम कुछ उटपुटांग सा खा लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए जिह्वा के संयम के संकल्प के साथ आइए आपको अब मैं लिए चलता हूँ एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की ओर जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है, शान है हमारे देश का, और जहाँ प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक वहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए जाते हैं, जहाँ की वादियाँ बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं और मून लैंड भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की। आइए चलते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं: पेंगोंग त्सो झील, यह अपनी बदलती रंग क्षमता के लिए लोकप्रिय है। इसका रंग नीले से हरे से लाल रंग में बदल जाता है। थिकसे मठ, यह 12 मंजिला परिसर 500 से अधिक भिक्षुओं की मेजबानी करता है और इसे पूरे लद्दाख में सबसे सुंदर बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। नुब्रा घाटी, यह अपने सफेद रेत के रेगिस्तान और दो कुबर वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। सो मोरीरी झील, यह एक चमकदार नीली झील है जो उबड़ खाबड़ परिवेश के बीच में बसी है। दिस्कित मठ, यह मठ जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानव को देव बनाने का कार्य इस राज्य में कुशलता पूर्वक चल रहा है। बर्फ से आच्छादित कितने सुंदर पर्वत, मन को मोहने वाले। इनकी ऊंचाइयों को देखकर जहां हमें भी ऊंचा उठने की प्रेरणा मिलती है, वहीं कई बार मन में किसी के ये भी आता होगा कि क्या इसके शिखर पर चढ़ा जा सकता है, इसे फतह किया जा सकता है। हर वो कार्य मित्रों जो पहले न किया गया हो हमें असंभव लगता है, लेकिन जब वो कार्य कोई कर लेता है सहज लगने लगता है। चांद पर जब कोई नहीं गया था या एवरेस्ट को जब किसी ने फतह नहीं किया था, उससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या इसे जीता जा सकता है। वास्तव में असंभव नामक कोई शब्द ही नहीं है, हर कार्य संभव है। कुछ ऐसी ही सुंदर प्रेरक बात आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। नेपोलियन केवल 52 वर्ष की उम्र जिया। नेपोलियन को जब इटली को जीतना था तो फ्रांस से नेपोलियन अपनी सेना लेकर इटली की तरफ आगे बढ़ा। रास्ते में आल्प्स पर्वत आया, बहुत ऊंचा पर्वत है। नेपोलियन को अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ जाकर इटली को जीतना था। आल्प्स पर्वत की चढ़ाई शुरू करने से पहले नेपोलियन को एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा कि जिस जिसने भी आल्प्स पर्वत को पार करने की कोशिश की है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बुढ़िया का यह वाक्य सुनते ही नेपोलियन प्रसन्न हो गया और नेपोलियन ने उस बुढ़िया को अपने गले में पहना हुआ अपना हीरों का हार भेंट में दे दिया। नेपोलियन ने उस बुढ़िया से कहा कि माँ जी, जब मैं इटली को जीत कर वापस आऊं तो आप मुझे आशीर्वाद देना और फ्रांस की जय जय बोलना। ऐसा ही हुआ। न केवल नेपोलियन बल्कि नेपोलियन की सेना ने आल्प्स पर्वत को पार किया, इटली को जीता और जब वो वापस लौटा तो उस बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया ने फ्रांस की जय जय की और बुढ़िया ने प्रश्न किया नेपोलियन से कि आपने मुझे हीरो का हार क्यों दिया। तो नेपोलियन ने उत्तर दिया कि आपके इस वाक्य ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, मुझे प्रेरित किया कि ये काम कठिन है
और मैं पैदा ही कठिन कामों को हल करने के लिए हुआ हूं। A leader is a dealer of hope। नेपोलियन कहता है कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। नमस्कार। तो हर असंभव लगने वाले कार्य को हम मुस्कुराते हुए संभव कर दिखाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मित्रों, मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे अपने आंसुओं से या फिर क्रोध से धूमिल ना होने दें। और यही मुस्कान लाने का सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज भी कर रही हैं लंबे समय से। उनका ध्येय ही यही है कि हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक चेहरे पर संतोष हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। आइए देखते हैं कि ये सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज संगठन किस प्रकार कर रहा है पीस न्यूज हाइलाइट्स में। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग एवं सांता क्रूज वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा भारत आध्यात्मिक पर्यटन का घर। ब्रह्मा कुमार संजय भाई द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में सांता क्रूज सब जोन इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी, बॉलीवुड फिल्म तारे जमीन पर के निर्माता अमोल गुप्ते जी, IAS मिसेज विनीता वैद सिंगल जी और ग्रीन चिलीज टीवी चैनल की CEO डॉक्टर शर्मिला बैनर्जी सहित प्रमुख हस्तियां शामिल रही। जो बेसिक हमारे में क्वालिटीज है, शांति है, आनंद है आदि आदि, तो उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल टूरिज्म में कोई आते हैं, ऐसे स्थान पर जाने से वो स्थान की जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जो उसकी तरंगे होती हैं, और वो स्थान का जो वातावरण होता है वो बहुत सुंदर रीति से हमें शांति जो है वो प्राप्त कराता है। स्पिरिचुअलिटी फॉर 5000 ईयर ओल्ड कल्चर डज नॉट बिगिन इन संन्यास आश्रम। इट बिगिंस इन चाइल्डहुड। जब 7 साल की उम्र में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उस जनोई पहन के जब अपने गुरु की तलाश में वट वृक्षों के नीचे पढ़ते हैं और सेवा करते हैं अपने गुरु की, और उस सेवा से जो प्रदान होता है वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग। सचमुच सबरंग कार्यक्रम में कितने सारे रंग होते हैं ना, इन रंगों पर आप भी जरूर चिंतन किया करें। क्योंकि कहते हैं ना कि चाय की प्याली है, उसमें आप चीनी डालते जाते हैं, लेकिन जब तक उसे घुमाएंगे नहीं तब तक वो मिठास आएगी नहीं। बातें जो एक एक छोटी छोटी सी भी हैं जीवन के लिए कितनी प्रेरक हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं, और यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो सचमुच जीवन का आनंद दुगुना तिगुना चार गुना हजार गुना हो जाएगा। और यही हमारी मंगल कामना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए और अंततः पूरे विश्व के लिए। तो आपका आज का दिन बहुत ही खुशबूदार हो, बहुत ही आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।